हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, मेरे बाल देखो कैसे बिखरे बिखरे से हो रहे हैं, और आज बच्चे स्कूल खुल गए हैं बच्चों के, आज से तो सूर्यांश आ गया। इसको बड़ा दुख हुआ था जब सुबह स्कूल गया था, ऊपर से आज कासू जल्दी आ गई थी क्योंकि उसके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो उसकी छुट्टी जल्दी हो गई थी। और सूर्यांश की अपने फुल टाइम पे हुई थी जो होती है, तो इसे बड़ा दुख हुआ आज स्कूल खुलने पर। तो कासू गई है ट्यूशन, क्योंकि दोस्तों उसका भैया दोनों टाइम ट्यूशन। और आज मेरा हो रहा थोड़ा बीपी लो सा, तो मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी पी है, ब्लैक कॉफ़ी पी है। ठीक है, तो आज खाने की तैयारी मैं क्या बना रही हूँ, मैं कासू बोल के गई है मेरे लिए मुझसे, ये सोया चाप है उसकी, ये सोया चाप बनाऊंगी। ये मैंने दोस्तों उबाल के रख दिए, उबाल लिए मैंने ये। ठीक है, और ये थी इसकी, इसमें मंगाई थी हमने ये रख पैकेट। ठीक है, और अपने लिए बनाऊंगी क्योंकि हम तो खाते नहीं है, अपने बनाऊंगी ये भुरता। मैं और सूर्यांश खा लेंगे इससे, क्योंकि हमें इतनी पसंद नहीं है, कासू ही खाती है। कैसा लगा स्कूल? नॉर्मल लगा। नॉर्मल तरह लगा होगा तुझे? कैसा लगा स्कूल में जाना? मन लग गया? मेरी याद कब आई तुझे? हमेशा ही आती है मुझे तो। आई छोटा सा मासूम, अब मैं जब ऐसे प्यार करूँ ना इसको, कासू को लगती है चिड़ा। है सूर्या, माँ बेटा का प्यार है ये, माँ बेटा का प्यार। अरे ये तो दोस्तों छोटा है घर में सबसे हमारे। ठीक है, तब देखो आप लोगों को, देखो भाई मुझे पता है जो छोटे बच्चे होते हैं ना उन पे सबका लाड होता है, क्योंकि मैं अपने घर में छोटी हूँ तो सबका लाड मेरे में ही है। अब ये घर में छोटा तो फिर इसी पे रहेगा ना। और कासू को कौन समझाए बताओ। तो चलो मैं काम कर लेती हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं बिस्तर लगा देती हूँ, सारे बिखरे पड़े की तय मार देती हूँ। सूर्यांश और कासू गए स्कूल, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं आप लोगों को पता ही है। तो फटाफट कर लेती हूँ काम, निपटा लेती हूँ सुबह सुबह का। सब्जी अभी तो मैंने बनाई दी है, क्योंकि वो लेके गए थे अपना टिफ़न लेके गए, तो मैंने सब्जी तो जब भी बना देती हूँ सुबह के टाइम में, क्योंकि टिफ़न वगैरह देना पड़ता है तो फालतू ही बना देती हूँ फिर मैं। और तबीयत भी थोड़ी सी डाउन सी हो रही है दोस्तों, मेरी गला सा ख़राब हो रहा, तो उससे मेरे को फीवर सा लग रहा है। क्या ये पता आप लोगों को, सच में ईमानदारी से बताऊं, जो ये मौसम आता है ना मेरे लिए बड़ा कष्टदायक होता है। 3 साल से तो मैं कंटिन्यू बिल्कुल ही ऐसे हो रही हूँ, इस महीने में बीमार 100% होती हूँ। ठीक है, इन दिनों में मतलब कि जो भी चौमासे चलते हैं ना, हमेशा होती हूँ। अब देखो मैं सोच रही थी, ठीक है, अब मैं सोच रही थी कि क्या करूँ। अब कल ही मेरा ऐसा मतलब गला सा कटने लग गया, आज तबीयत ऐसी हो रही है डाउन सी मेरी बहुत ज़्यादा, मेरे को ऐसा फील महसूस हो रहा है, फीवर भी। अब क्या करें, पर काम तो करना है ही है दोस्तों। और बताइए आप लोग कैसे हैं? बच्चे आ चुके हैं, अभी सुबह के टाइम का नहीं है, बच्चे आ चुके हैं। मैं झाड़ पोछा कर रही हूँ दोस्तों, झाड़ पोछा इस घर में कई बार लग जाता, लेकिन मैं दिखाती आप लोगों को कभी कभार ही, क्योंकि कितनी बार दिखाऊं, क्योंकि यहीं पे हम खाते पीते हैं सब, तो लगाते रहते हैं हम यहाँ पे। और दोस्तों देखो मैंने ये वाला झाड़ू मंगा लिया, क्योंकि क्या है जैसे मैं खड़ी होती हूँ ना, बैठ के खड़ी होती हूँ, तो उससे क्या मेरे चक्कर आने लगते हैं जब से मैं बीमार हुई, तो इस कासू के पापा ने ये मंगा दिया जिससे खड़े होकर पोछा लगाते हैं। और दोस्तों शाम का खाने का तैयारी मैंने कर ली है, कासू के लिए बना रही हूँ सोया चाप, और अपने लिए सूर्यांश के लिए बना रही हूँ ये बैंगन का भुरता। कासू पापा मना कर रहे थे कि मैं नहीं खाऊंगा आज, उनके गैस की बननी थी पेट में, तो उन्होंने कहा मैं नहीं खाऊंगा। नहीं चल कोई नहीं, हम दोनों खा लेंगे मैं और सूर्यांश, क्योंकि सोया चाप हम दोनों तो खाते नहीं है ऐसे, थोड़ा बहुत मैं बस चेक कर लेती हूँ, पर ऐसे नहीं खाती जैसे कासू खाती है। उसके लिए बना रही हूँ, क्योंकि वो उसी की फेवरेट है, आप लोगों को पता ही है कितना करती रही, पीपनी सी बजाती रही। अब मैंने उन्हें एक तरफ में उनको फ्राई कर रही हूँ, मैंने पहले 7 में से 5 स्टिक तो मम्मी ने खाई है। झूठ बोले जाए, वो उन्हें पता खाती ना भाभी इतना। और दोस्तों उधर मैंने पहले उबाल ली थी, ठीक है, मैंने दिखाई नहीं थी, उबाल के रख ली थी, फिर मैंने उनको फ्राई किया। उसने क्या मतलब ये बर्फ़ में रखी, फ्रीजर में रखी रहें तो इसके अंदर बर्फ़ जम जाती है, तो उनकी जो लेयर है ना वो खुल जाती है, थोड़ा सा उबाल लेते हैं, तो इस वजह से उबाल लेना चाहिए पहले। ठीक है, अब मैं बना रही हूँ, इधर मैंने एक तरफ मैंने भुरता बना रही हूँ बैंगन का भुरता, उस तरफ मैंने मसाला कर रही हूँ, दोनों तरफ मैंने गैस चला रखी है, एक साथ ही बनाने लग रही हूँ सब्जी। क्या करूँ दोस्तों, बस जब आज तबीयत की वजह से आँख मेरी खुल नहीं रही हैं, क्या करूँ।
पता इतना मेरे को बुखार से ना होता, जब ये गला होता है ना गले गले से, पता मेरे को रात में मैं सो, एक तो मैं वैसी मेरे को नींद नहीं आ रही, मैं सो भी नहीं पा रही हूँ, गला बहुत ज़्यादा हो रहा मेरा, बहुत ज़्यादा, बहुत अम्मी से बोला भी नहीं जा रहा आज, पता है अजीब सा ही लग रहा मेरे को बहुत ज़्यादा, और आँखों में जलन हो रही है मेरे बहुत तेज। पर काम तो देखो दोस्तों करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो दोस्तों मैं सही बताऊँ, मैं कासू से इसलिए नहीं बोलती, उसके ऊपर बहुत प्रेशर है इस टाइम, पढ़ाई का बहुत ज़्यादा है सच बता दूँ। अब मैं इतना पैसा उसके पीछे लगा रही हूँ, तो अब काम के ऊपर मैं उसकी पढ़ाई क्यों मारूँ, ठीक है? तो मैं इसलिए मैं उसके लिए काम इस टाइम नहीं करवा रही हूँ, ऐसी बात ना, मत हेल्प मेरी कर देती है मेरी बच्चा, लेकिन वही है अब मैं खुद ही नहीं करवा रही उससे, क्योंकि क्या है भाई देखो दो दो बार ट्यूशन जाती है और फिर वो आती है, स्कूल का भी हो गया अब, चलो एक डेढ़ महीने से तो घर पे थी, अब स्कूल भी है, तो फिर मेरे को ये अब अच्छा सा लगता, इस टाइम पढ़ाई का बहुत प्रेशर है उसके ऊपर, तो कोई बात नहीं कर लूँगी एडजस्ट जब इतने दिन से कर रही हूँ दोस्तों, तो अब भी कर लूँगी, ऐसी बात नहीं है, बस ये अपना पढ़ाई में दिमाग लगाए बस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है? तो दोस्तों आप भी ट्राई कर लेना जैसे मैं बना रही हूँ, आप कभी ट्राई करना, फिर कमेंट बॉक्स में बताना कि सोया चाप कैसे बनी जैसे मैं बता रही हूँ। इस बार मैंने काट नहीं है, दो तीन मैंने काट भी ली थी प्रियांश कह रहा मम्मी दो तीन काट दे, दो तीन और बाकी के ऐसे ही रहने दे, लेकिन चलो अभी बकर कटे बनाती हूँ। देखो दोस्तों ऐसे लग रही है जैसे नॉन वेज ना बनाते ऐसी लग रही है, अगर मैंने इस बार ये काटी ना तो नॉन वेज की तरह, कोई जिसको समझ में नहीं आ रही होगी ना वो तो खैर मैं चलो साथ साथ बता रही हूँ कि सोया चाप है, लेकिन अगर किसी को ना पता होना तो नॉन वेज ही समझेगा कि आज तो भाभी ने नॉन वेज बना दी, भाई हम नॉन वेज नहीं खाते, तो सोया चाप है ये, आप देख लीजिए। तो आ जाइए आप भी खाने के लिए, ओके, आपको इन्वाइट कर रही हूँ डिनर के लिए। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, लव यू।